स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू मेरा नाम नानकी पवेजा है आपने मुझे पहले भी कॉन्सेप्टनॉमिक सीरीज़ में देखा होगा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि जो रुपये की वैल्यू है जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है आई एन आर इंडियन रुपी जब हम बोलते हैं या न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ते हैं कि जो रुपी की वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर रही है रुपीज़ वैल्यू इज़ फॉलिंग डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो ये फिनमिना क्या होता है वॉट डू वी एक्चुअली मीन बाय वैन वी That एप्रिसिएशन ऑफ currency इज टेकिंग प्लेस या रुपी और डॉलर इज appreciating. या डॉलर इज depreciating. तो बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आज हमारी कंसेप्टोनॉमिक्स सीरीज में समझेंगे आज के वीडियो में सो so, सबसे पहले बात करते हैं अप्रीशियशन ऑफ करेंसी क्या होता है तो एज बाई दी नेम appreciate मतलब वैल्यू बढ़ जाना किसकी वैल्यू बढ़ जाना एप्रिसिएशन आपको पता ही होगा ठीक है दैट इज वैल्यू बढ़ना वैल्यू बढ़ना किसकी वैल्यू बढ़ रही है किसकी वैल्यू बढ़ रही है भाई हमारी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ रही है सो एप्रिसिएशन सिंपली मीन्स इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ वॉट डोमेस्टिक करेंसी जो कि हमारी आई एन आर है इन कंपेरिजन टू वॉट जब हम बात करते हैं कि ये जैसे कि राम लंबा है तो हम कुछ एक बेंच मार्क रखते होंगे कि राम किससे लंबा है राम श्याम से लंबा है श्याम अनिल से भी लंबा है ठीक है सो so, एप्रिसिएशन के लिए भी हमें कोई बेंच चाहिए तो हम अपनी करेंसी को किससे कंपेयर कर रहे हैं वी आर कंपेयरिंग इट विद दी डॉलर्स सो एप्रिसिएशन सिंपली मीन्स सिंपली मीन्स इंक्रीज इन दैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर करेंसी इट कुड भी एनी अदर करंसी इट इज जस्ट नॉट दैट कि वो डॉलर ही होनी चाहिए बट यूजली हम किस को प्रेफर करते हैं डॉलर को प्रेफर करते हैं हम अपनी करेंसी को किस तरीके से कौन से करेंसी के साथ मेजर करके बताते हैं कि एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रीशिएट इट इज द डॉलर टू बिच वी रेफर टू सो जब भी हमारे करेंसी की वैल्यू अप्रीशिएट होती है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर वी कॉल इट अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी या हमारे इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ रही है अब ये वैल्यू बढ़ती है कैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए आपको एक डॉलर चाहिए तो एक डॉलर आ रहा है सत्तर रुपये का मतलब आपको अपनी जेब से सत्तर रुपये निकाल के देने हैं अगर आपको वन यूनिट ऑफ डॉलर खरीद रहे हैं एज सिम्पल एज देट नाउ वॉट डू वी कॉल्ड अप्रिसिएशन किस तरीके से अप्रीसीट होती है उसका क्या मतलब होता है अगर एक हफ़्ते बाद आप मार्केट गए और अब आपको डॉलर खरीदना है फिर से एक ही डॉलर खरीदना है वन यूनिट ऑफ डॉलर यू हैव टू बाय बट नाउ यू जस्ट हैव टू शेल्व आउट सिक्सटी फाइव इंडियन रुपीज़ अभी पिछले हफ्ते जब आप गए थे तो आप सत्तर रुपए अपनी जेब से निकाल के दे रहे थे बट अब आपको क्या करना है आप सिर्फ़ पैंसठ निकाल के दे रहे हो तो आप कहोगे डॉलर सस्ता हो गया या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रुपी की वैल्यू स्ट्रांग हो गई हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट कर गई सो वेवर वे द फॉरन करेंसी द फॉरन करेंसी बिकम्स चीपर फॉर अस भाई चीपर हो गई ना पहले सत्तर रुपए की थी पहले सत्तर रुपए की थी अब कितने की हो गई पैंसठ रुपए हम जेब से निकाल रहे हो और एक डॉलर आ रहा है सो वेन एवर द फॉरन करेंसी बिकम्स चीपर फॉर अस और वी कैन स्टे से डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स स्ट्रांगर

डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ वॉट किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है डोमेस्टिक करेंसी की किसके कंपेरिजन में किसी से तो कंपेयर करेंगे फॉरेन करेंसी के अब फॉरेन करेंसी में हम क्या ले रहे हैं फॉरेन करेंसी में हम ले रहे हैं यूएस डॉलर चलिए फिर से एग्जांपल इस हफ्ते जब आप गए मार्केट में डॉलर लेने सत्तर रुपये आपने अपनी जेब से निकाले और आपको वन यूनिट ऑफ डॉलर मिल गया अगले हफ्ते आप डॉलर लेने गए अब आपकी जेब से निकल रहे हैं पचहत्तर रुपये एक डॉलर जो पहले सत्तर रुपए में आ जाता था अब आपको पिछहत्तर रुपए निकालने पड़ रहे हैं सेवेंटी फाइव you your पॉकेट टू बाय वन यूनिट ऑफ डॉलर मतलब डॉलर महंगा हो गया या इसको कह ले डॉलर महंगा हो गया या इसको इस तरीके से कह ले कि जो रुपी है वो वीक हो गया लास्ट वाले में क्या हो रहा था रुपी हो रहा था स्ट्रोंग डोमेस्टिक करेंसी हो रही थी स्ट्रोंग फॉरेन करेंसी हो रही थी चीपर जब रुपी डिप्रिशिएट करता है तो फॉरेन करेंसी हमारे लिए महंगी हो जाती है अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए हु डिसाइड्स दिस वैल्यू क्या कोई सेंट्रल अथॉरिटी है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या कोई देश की सरकार है जो डिसाइड करती है कि अब एक डॉलर पैंसठ में मिलेगा और अब अगले हफ्ते जाएंगे तो एक डॉलर सत्तर में मिलेगा तो नहीं स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन दी फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिमांड ज़्यादा है जिस भी चीज़ की भले वो आई की हो डॉलर की हो यूरो की हो उसकी वैल्यू बढ़ेगी किस तरीके से किस तरीके से मान लीजिए किसी भी रीजन से वी आर नॉट गेटिंग इन टू रीजन्स अभी हमको जो रीजन्स हैं वो नहीं समझने रीजन्स नहीं समझने हैं राइट डॉलर की डिमांड डॉलर की जो डिमांड है फॉर व्हाट्स एवर रीजन रीजन बाद में पढ़ेंगे डिमांड बढ़ गई ठीक है सप्लाई ऑफ डॉलर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ एनी करेंसी इन दी वर्ल्ड इज लिमिटेड इंडियन रुपीज भी तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है ठीक है सो दैट वे डॉलर की सप्लाई भी क्या है इट इज लिमिटेड अब लिमिटेड सप्लाई है एंड फॉर सम रीजन डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई तो अब क्या होगा देर वुड बी मोर मनी चेजिंग लेस डॉलर अवेलेबल इन दी मार्केट देर वुड बी मोर मनी देर वुड बी मोर मनी चेजिंग लेस डॉलर इन दी मार्केट इससे क्या होगा जो डॉलर का प्राइस है डॉलर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा पहले अगर मुझे पैंसठ रुपये निकालने पड़ रहे थे जेब में से एक यूनिट खरीदने के लिए अब क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है सब डॉलर के पीछे भाग रहे हैं तो अब मुझे डॉलर महंगा मिलेगा जैसे कि आलू प्याज के साथ होता है आलू प्याज अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो क्या होता है आलू जो बीस रुपए किलो अवेलेबल होता है कहीं ना कहीं उसकी डिमांड मतलब उसका जो प्राइस है वो पहुंच जाता है अस्सी रुपए किलो सेम डॉलर के साथ है डिमांड अगर ज़्यादा है तो एक डॉलर जो आप पैंसठ में ख़रीद लेते थे अब वो कितने मिले, में मिलेगा सत्तर में और हो सकता है वो और बढ़ जाए और हो जाए पचहत्तर रुपये सेम वे सेम वे ये तो हो गया हमारा डॉलर एप्रीशिएट अब आई आई कब अप्रिशिएट करेगा आई कब स्ट्रॉन्ग होगा आई की डिमांड बढ़ गई फॉर व्हाट्स एवर रीजन वी आर नॉट गेटिंग इनटू रीजंस राइट नाउ आई की डिमांड बढ़ गई फॉर व्हाट्स रीजन तो अब क्या होगा सप्लाई इज स्टेबल सप्लाई जो है वो स्टेबल है सप्लाई जो है स्टेबल है डिमांड हमारी बढ़ गई है लिमिटेड सप्लाई ऑफ आई एन आर है देयर इज लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड सप्लाई Now there is more dollar, there is more foreign currency chasing, there is more foreign currency chasing Indian rupees. So क्या होगा अब INR jo pehle जो पहले जो पहले पैंसठ रुपए अगर हम एक डॉलर को कन्वर्ट कराते थे इंडियन रुपीज में तो पैंसठ रुपए मिलते थे अब हो सकता है एक डॉलर को हम कन्वर्ट कराए इंडियन रुपीज में तो मिले सिर्फ साठ रुपए ठीक है सो दैट इज वॉट इज अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टेकिंग प्लेस सो आंसरिंग योर क्वेश्चन की क्या कोई सेंट्रल फोर्स है क्या कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है क्या कोई गवर्नमेंट है विच इज डिसाइडिंग नहीं इट इज़ लेफ्ट टू दी फ्री प्ले ऑफ़ डिमांड एंड सप्लाई जिस चीज़ की डिमांड आई एन आर की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा उस वो उसकी वैल्यू जो है अप्रिसिएट कर जाएगी नाउ लेट इस गेट इन टू द रीजन हमने देख लिया फिनमिना अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से डॉलर की जो डिमांड है मार्केट में बढ़ जाती है तो इंडियन मार्केट की अगर बात करें इंडिया में डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी जब हम आर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इंपोर्ट कर रहे हैं जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें बिल जो इम्पोर्ट हो, होता है वो किस में पे करना होता है फॉरेन करेंसी में पे करना होता है फॉरेन करेंसी मतलब हमें डॉलर्स में पे करना होता है तो हम मार्केट में क्या खरीदने जाएंगे हम मार्केट में खरीदने जाएंगे डॉलर डॉलर की बढ़ेगी डिमांड भाई इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है तो अब इम्पोर्ट बिल को सेटल करना है तो डॉलर चाहिए डॉलर की डिमांड बढ़ रही है डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा डॉलर हो जाएगा महंगा और इंडियन रुपीज़ हो जाएगा उसके आगे सस्ता पहले सत्तर रुपये निकालते थे जेब से एक डॉलर आ जाता था, था अब पिचत्तर रुपये निकाल रहे हैं तो एक डॉलर आ रहा है ये हमने देख लिया नेक्स्ट इज सेल ऑफ इन इक्विटी मार्केट नाउ व्हाट इज़ द सेल ऑफ़ इन इक्विटी मार्केट सेल ऑफ़ इन इक्विटी मार्केट व्हेन वी टॉक अबाउट तो स्टूडेंट्स आपने अक्सर सुना होगा कि एफ आके हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जब इंडिया आते हैं तो वो क्या लेके आते हैं वो लेके आते हैं डॉलर ठीक है, डॉलर लेके आते हैं उसको आईएनआर में कन्वर्ट कराते हैं, और आईएनआर से खरीदते हैं वो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी यही होता है डॉलर में लेके आते हैं डॉलर आता है उसको आईएनआर में जाते हैं कन्वर्ट कराते हैं और जाके हमारे कंट्री के शेयर्स खरीद लेते हैं लेकिन जब वो हमारी मार्केट से एग्जिट करते हैं मान लीजिए एफ आई आई इज डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट मोर वो यहाँ से अपने वापस रुपी विद्रॉ करना चाहते हैं अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं अब क्या फिनॉमिनल होगा सो वॉट दे डू इज दे विल सेल ऑफ द शेयर्स वॉट दे गेट दे विल गेट इंडियन रुपीज़ भाई शेयर बेचेंगे इंडियन मार्केट में तो इंडियन रुपीज़ मिलेंगे नाउ व्हाट दे विल डू इंडियन रुपीज़ इज ऑफ नो यूज़ टू देम क्योंकि वो रहते हैं अमेरिका में व्हाट दे वांट इज नाउ डॉलर्स व्हाट दे विल डू इज दे विल गेट दिस इंडियन रुपी दे विल गेट दिस इंडियन रुपी कन्वर्टेड इन डॉलर्स तो अब किसकी डिमांड बढ़ गई फिर से नाउ द डिमांड ऑफ डॉलर इज गेटिंग इंक्रीज नाउ वेन द डिमांड ऑफ डॉलर विल गेट इंक्रीज द प्राइज ऑफ डॉलर प्राइज ऑफ डॉलर विल गेट

तो बाहर की कंपनी हमको क्या चीज़ देती है बाहर की कंपनी हमको डॉलर्स देती है अब वो एक्सपोर्टर जाएगा मार्केट में और डॉलर को कन्वर्ट कराएगा आई में ठीक है उसके पास खूब सारे डॉलर आए हैं बाहर से क्योंकि बाहर जहाँ उसने एक्सपोर्ट किया था तो उसने उसको डॉलर में पेमेंट करी ठीक है आई एन आर आ गए उसके पास किसके पास एक्सपोर्टर के पास अब वो देखो मतलब सॉरी डॉलर्स आ गए नाउ दैट एक्सपोर्टर वॉन्स दिस डॉलर टू बी कन्वर्टेड इन टू इंडियन रुपीज़ क्योंकि वो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको यहाँ रहने के लिए चाहिए इंडियन रुपीज़ नाव यू सी किसकी डिमांड बढ़ रही है डॉलर्स हैं उसको है डिमांड आई एन आर की वेन द डिमांड ऑफ आई एन आर विल इंक्रीज़ द डिमांड ऑफ आई एन आर विल इंक्रीज़ द वैल्यू द वैल्यू ऑफ रुपी अप्रिशिएट एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स मार्केट में इसी तरीके से चीजें चेंज होती है इसी तरीके से प्राइस मैन्युपुलेट होता है डॉलर एंड रुपी का अनदर रीजन अनदर रीजन फॉर एप्रीसी इज सडन इनफ्लो अनदर रीजन फॉर एप्रीसी इज सडन इनफ्लो ऑफ डॉलर एन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट अब बाहर से विदेश आ रहे हैं हमारे देश में उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो स्टॉक मार्केट में ठीक है बढ़ाया था यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे पढ़ाया था मैंने अभी आपको बाहर से विदेशी आ रहे हैं बाहर से विदेशी आ रहे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं डॉलर नाउ वॉट दे आर डिमांडिंग इज आई एन आर आई एन आर डिमांड कर रहे हैं वो लोग आई डिमांड कर रहे हैं तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है उसका प्राइस ऊपर जाएगा क्यों क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है सो दिस इज हाउ इट वर्क स्टूडेंट्स जैसे ही देर इज़ इनफ्लो ऑफ मनी आई एन आर विल गेट स्ट्रोंगर डॉलर विल बिकम वीक एंड जैसे ही देर विल बी आउटफ्लो ऑफ मनी इन द इकॉनमी और फ्रॉम द इकॉनमी तब किसकी डिमांड बढ़ेगी डॉलर की डिमांड पड़ेगी क्योंकि उनको यूएसए में अपने पास वापस डॉलर लेके जाने हैं आईएनआर बेचा जाएगा डॉलर खरीदा जाएगा एंड दैट इज़ वेयर डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी और उसका प्राइस है जो इंक्रीज़ होगा सो दिस इज हाउ इट वर्क्स छोटा सा कॉन्सेप्ट था अब आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि वॉट इज़ एप्रिसिएशन जब हम बोलते हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है डॉलर महंगा हो रहा है सो दैट मीन्स इंडियन करेंसी इज गेटिंग वीकर इंडियन करेंसी इज डेप्रीशिएटिंग वैन वी से डॉलर का प्राइस सस्ता हो रहा है दैट मीन्स इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इज़ गेटिंग इंक्रीज इंडियन वैल्यू इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इज़ गेटिंग स्ट्रॉगर इट इज़ अप्रीसीटिंग सो so, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अगर इस पे आप एम सी क्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो आ जाइए फटाफट से टेलीग्राम पेज यान की अंडरग्राम पेजेज इकोनॉमिक विद नान की सो स्टेट मोस्ट बेस्ट टू ऑल स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल